ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के ग्राफ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से हर तरफ अपराध व अपराधियों का ही बोलबाला है। इस प्रदेश की जनता अब खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। तो वहीं पूर्व सीएम के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा जी शायद यह भूल गई है कि उनके दोनों कार्यकाल में ऐसा कोई समय नहीं गया जब लाठी गोलियां नहीं चली हों। कितने लोगों और किसानों पर उन्होंने गोलियां चलाई, कितनी हत्या हुई, अब वो भूल गई है। एक साल में जो लाठी गोली वसुंधरा जी की सरकार में चली थी 5 साल में, वो शायद उनको भूल गई है। उनका दोनों जो कार्यकाल रहे उसमें कोई ऐसा समय नहीं रहा जब लाठियां या गोलियां नहीं चली हों। कितने लोगों पर, किसानों पर गोलियां चलाई हैं, कितने लोगों की हत्या हुई है, उसको भूल गई होंगी। बता दें, सोमवार को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने 2019 में प्रदेश में हुए अपराधों का लेखा जोखा पेश किया, जिसके अनुसार प्रदेश में लगभग 31% अपराध बढ़े हैं। डीजीपी की इस रिपोर्ट के सार्वजनिक हो जाने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि यह प्रदेश के सुशासन के दावों की एक वानगी है। एक वर्ष पहले तक हमारा राजस्थान पूरे देश में शांति प्रिय प्रदेश जाना जाता था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने सत्ता संभाली हर तरफ अपराध व अपराधियों का ही बोलबाला शुरू हो गया। इस सरकार के कुशासन से त्रस्त जनता अब खुद को ठगा हुआ व भयभीत महसूस कर रही है। वहीं इसके बाद दूसरे ट्वीट में पूर्व सीएम राजे ने एक समाचार पत्र की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा कि राजस्थान में पिछले एक वर्ष में 31% अपराध बढ़ा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 50% वृद्धि हुई है। यह प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सुशासन के दावों की एक वानगी है। प्रदेश में अपहरण, बलात्कार, हत्या, डकैती, चोरी सहित सभी तरह के अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पर बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पीसीसी चीफ व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इन आरोपों पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि वसुंधरा जी ने कुछ तो कहा, क्योंकि साल भर से उन्होंने कुछ कहा मैंने सुना नहीं था। वो विपक्ष के लोग हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनके 5 साल के कार्यकाल में जो गोली लाठी चली थी वो शायद उसको भूल गए हैं। देखिए, किसने कहा ये? वसुंधरा जी ने। चलो शुक्र है, कुछ तो कहा उन्होंने, क्योंकि वो साल भर से उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने सुना नहीं उनके बारे में। लेकिन अब विपक्ष के लोग हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक साल में जो लाठी गोली वसुंधरा जी की सरकार में चली थी 5 साल में, वो शायद उनको भूल गई हैं। पायलट ने कहा वसुंधरा जी के दोनों कार्यकाल में ऐसा कोई समय नहीं गया जब लाठी या गोलियां नहीं चली हों। कितने लोगों और किसानों पर उन्होंने गोलियां चलवाई, कितनी हत्या हुई, उसको वह भूल गई होंगी। हमारी सरकार में ऐसा मौका कभी भी नहीं आया जब गोलियां लाठियां चलाई गई हों। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति यही है, हम अहिंसा वाले लोग हैं और हमेशा संवाद करना जानते हैं। कहीं कमी बेसी भी रहती है तो उसको सुनकर समझकर ठीक करने का हौसला भी हम रखते हैं। कांग्रेस सरकार पर उनका ये कहना सरासर गलत है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।